आप જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 હર હંમેશ સત્યની સાથે જોવા માટે સર્ચ કરો speednews17.com તેમજ તમામ સોશિયલ સાઇટ પર। કચ્છના જોગણી નાર માતાજીના દર્શન કરવા આવે છે વિદેશમાં વસતા રહેતા માનવીઓ। શું કહેશે કોરોના વિશે તેમજ ભારત અને વિદેશમાં શું છે લાઈફમાં ફરક। સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ની ખાસ રિપોર્ટ જયેન્દ્ર સોલંકી સાથે જયરાજ સોલંકી, અંજાર, કચ્છ। जी हरेश भाई, जैसे तमे अहीं माताजी ना जोगणीनार मंदिर आव्या छो तो एनो माहौल तमने केवो लागे छे? एनो माहौल अमने बहु मस्त लागे छे। अहींया अमे वर्षमां 2-3 वार रेग्युलर आवी छे। आ मारा दोस्त दुबई थी आव्या छे तो एने स्पेशियल एनी फेमिली साथे दर्शन कराववा अहींया लई आव्यो छुं। अच्छा, हाँ तो तमारे जे दुबई थी जे मेहमानो आव्या छे तो तमे एमने कहो छो के आ मंदिरना महिमा ने ध्यानमां राखीने आवे छे? हाँ, महिमाने ध्यानमां राखीने। अच्छा, तो हमने पण आपको अपने एमनी साथे पण चर्चा करी। गुजराती हो चाहिए, हिंदी कोई नहीं, हम हिंदी में भी बात करेंगे। अभी आप दुबई से आए हो तो आपको यहाँ का माहौल कैसा दिख रहा है? यहाँ काफ़ी अच्छा है। मैं साल में एक बार आता ही हूँ इंडिया, जब भी तो मैं यहाँ ज़रूर आता हूँ। अच्छा, और इसकी नहीं आप एक बार आते हो तो इसके पीछे कोई महिमा है आपका, कोई श्रद्धा है इसके पीछे आपकी? एक्चुअली मैं स्कूल टाइम से आता हूँ। स्कूल वाले पिकनिक पे भी यहाँ पे लेके आते थे और मेरे घर वाले बहुत मानते हैं, वो पीछे आते ही रहते हैं। ये मेरे घर वाले हैं, आप उनसे भी पूछ लीजिए। ठीक है, ठीक है जी। मैडम आपका नाम? मेरा नाम दिशा कौरानी है। अच्छा, यहाँ कर आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये कि जो मंदिर का जो महिमा है, महिमा के साथ साथ आपको कोई मन्नत वगैरह कुछ लेके आए हैं यहाँ पे? नहीं, बस दर्शन के लिए हर बार आते हैं, इच्छा पूरी होती है और अच्छा लगता है फैमिली के साथ। ओके, थैंक यू। और कुछ आप दूसरे लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, आप भी यहाँ पे आओ गुजरात में, कच्छ में, तो आके दर्शन करके जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। और जब आपको पता है कि जब यहाँ पे कोरोना का माहौल, कोरोना का इतना बड़ा हमारे पर इतना संकट गया है तो आप माताजी से कुछ कहना चाहेंगे कि कोरोना जल्दी चला जाए? हाँ, सही बात है, ये तो चला ही जाना चाहिए कोरोना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। गुरुजी आपनु नाम बताओ ने? मारू नाम गोविंद कटियाल के गोस्वामी। अच्छा, तमे अत्यारे ज्यारे कोरोना छे तो तमे आपणे जनताने शुं कहेवा मांगो छो? जयरे कोरोना है त्यारे जनताने बधी सावचेती राखवानी अने एमने फरज करी छे के तमारे मास्क पहेरो अने सेनिटाइज लगावी मंदिरमां आववानुं। बराबर है, अमे बधाने सूचना आपी छे। तमे जनताने अत्यारे शुं आपो छो के वधारे पड़तो वधारे अत्यारे कोरोनाने कहेतो तो जनताने तमे शुं कही रह्या छो अने साथे साथे तमे एमने केवा आशीर्वाद आपो छो? जनता ने सारा आशीर्वाद आपी छे हमें। धन्यवाद। निकिता जी आप कहाँ से आए हैं अभी? हम वेस्ट अफ्रीका से। वेस्ट अफ्रीका से आए हैं। अच्छा, यहाँ का माहौल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है। अच्छा, वहाँ अफ्रीका में मैं आपसे एक सवाल कर लूँगा कि अफ्रीका में कोरोना की किस प्रकार अभी क्या चल रहा है वहाँ पे? अफ्रीका में कोरोना इतना है ही नहीं, इतना ही नहीं। तो गुजरात में कोरोना करके तो आप गुजरात की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? गुजरात की जनता सबको घर पे रहना चाहिए, मास्क पहन के रहना चाहिए, सैनिटाइजर यूज़ करना चाहिए। अच्छा, एक और के गुजरात में और वहाँ पर इंडिया में और गुजरात के इंडिया के और वहाँ पर क्या फ़र्क है? वहाँ की जो कंट्री में आपसे अफ्रीका से आए हैं तो क्या फ़र्क है? थोड़ा डीप में बताएंगे तो भी चलेगा और थोड़ा और बताएंगे तो भी चलेगा। क्या फ़र्क है इसकी मोनोपोली, क्या फ़र्क है? ये बताइए। नहीं, पता हिंदी। अफ्रीका के अंदर हम लोगों को कहीं भी जाने का मौका नहीं मिलता है, वहाँ पे मंदिर वगैरह नहीं है। यहाँ पे मंदिर है तो हम लोग यहाँ दर्शन करने वगैरह आ सकते हैं। यहाँ पे सुकून है, वहाँ सिर्फ काम ही काम है हम इंडियंस के लिए और कुछ भी नहीं है। थैंक यू निकिता जी, आभार।